हम कद्दू नहीं बनाने में जावा जी के भाई गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज वी अंजू शिवपाली एंड आई नो मेरा ब्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आई हूँ नेपाल और मेरे नेपाल आए हुए 4 दिन हो गए। सो आज हम जाएंगे नेपाल का बहुत ही फेमस मंदिर वन देवी मंदिर। सो बहुत ही मजा आने वाला है, आप ब्लॉग पर बने रहिए। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज के ब्लॉग में मेरे साथ है संजू शिवपाली, आसमान विश्वकर्मा और आकाश विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। सो यस पूरा विश्वकर्मा खानदान निकल ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी आई थिंक हम लोग पैदल जाने वाले हैं ना, सो हम लोग पैदल जाने वाले हैं। और गाइस आप लोग व्लॉग में देखना, ये लोग का हिंदी इतना मस्त है ना, इतना मस्त है ना, ये तीनों का हिंदी सुन के मजा आएगा। तो गाइस चलो मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो गाइस ये है बैक का व्यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल गलत था। बोलो बोलो भाई वर्दा। ये गाइस देखो नेपाल कुत्ता, दिस इज स्ट्रीट डॉग, कैन यू बिलीव। तो गाइस मुझे पता नहीं ये रोड ना एकदम एकदम कार्टून टाइप का लगता है, डोरेमोन का होता नहीं है रोड, एकदम वैसे एकदम लग रहा है। छोटा छोटा घर है और व्यू भी मस्त है। वो साइड पे तो पहाड़ दिखता है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। फिर से बोल के दिखाएंगे क्या बोल रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं पूजा आरती करने के लिए। हिंदी तो अच्छा है। Not bad. तो अभी हम लोग चल चल के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और अभी हम सिर्फ 3 जन हैं इधर पे और 2 भाई गए हैं मिठाई लाने के लिए। तो आप हम लोग जैसे कि इंडिया में मिठाई मतलब वो होता है ना, रसगुल्ला होता है, स्वीट्स होता है, इधर पे मिठाई मतलब चॉकलेट। ओके चॉकलेट को बोलते हैं ये लोग मिठाई, चॉकलेट को ये लोग मिठाई बोलते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए, और ये लोग भगवान मिठाई चढ़ाएंगे भगवान को। तो मेरे को लगा भगवान को मिठाई चढ़ाएंगे तो मैं सोच रही थी कि पेड़ा होगा लड्डू होगा, बट ये लोग चॉकलेट चढ़ाते हैं, स्वीट्स मतलब इन लोगों के लिए स्वीट्स मतलब चॉकलेट होता है। ओके तो ये लोग भगवान को चॉकलेट चढ़ाएंगे, ये मेरे लिए एकदम यूनिक है। शायद आप लोग के लिए भी एकदम यूनिक ही होगा, बट ये नेपाल में ऐसे ही होता है, मतलब इधर मिठाई नहीं मिलता है। तो गाइस व्यू तो इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब इतना मजा आ रहा है एकदम, यू नो पूरा खेत पहाड़, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल ओवर हियर। और क्या बोल गाइस, अभी तो आपको नेपाल आके ही देखना होगा कितना मस्त है व्यू। देखो गाइस भाई लोग मिठाई लेके आ गए, दिखाओ कौन सा मिठाई है। ये मिठाई भगवान को चढ़ेगा, भगवान को चढ़ेगा। बंगर ना है? कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ थे? नहीं चाहेंगे। बोलो ना प्लीज, कुछ तो बोलो, एक शब्द तो बोलना चाहिए ना। बोलो आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं बोलो ना। नहीं गजब बेइज्जती है। कहाँ थे? हम दुकान पे थे। दुकान पे थे? दुकान से क्या खरीदा? मिठाई पीने जा। तुमसे ना हो पाएगा। बोलो मिठाई खरीद रहे थे। अच्छा कौन सा मिठाई खरीदा? इमली बम। हाँ इमली बम का टेस्ट कैसा होता है? इमली बम का टेस्ट इमली बम जैसा होता है। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आपको वो दिख रहा होगा। सो वहीं पे हम लोग को जाना है और यहाँ भी सेम मुझे झारखंड वाली वाइब मिल रहा है। ये लड़का दिन भर हम लोगों को देख के भोजपुरी सॉन्ग सुन रहा है, पता नहीं क्यों, मैं तो सुनती भी नहीं हूँ। ये देखो गाइस खेत में काम कर रहे हैं लोग, ऐसे करते काम। तुम करती हो खेत में काम? हम नहीं करते हैं, हम कभी कभी जाते हैं खेत में। तो गाली सुनने को जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाली सुनने को जाती है। और क्या करती है?
हाँ और क्या करते दिन भर गाली 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 सुन रही है सुन रही है और क्या करती है मम्मी क्या बोलती है मम्मी भर गाली मम्मी भर गाली क्या मम्मी भी गाली देती है मम्मी भी गाली देती है पापा क्या करते हैं डैडी पापा भी गाली देते हैं बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता और तुमको चुम्मा हम भी गाली देते हैं अरे तुमको क्या देते हैं तुमको क्या देते हैं हंसी देते हैं हंसी हंसी बाप रे बाप हंसी नहीं हंसी ये देखो गाइस बंदे भी मंदिर का पांच बड़ा पहुंचे तो ये गेट है ये कभी हम लोग घुस चुके हैं अंदर है ना तो गाइस जिस तरह से आप इसका हिंदी इग्नोर कर रहे हैं उसी तरह से आप मेरा और संजू का नेपाली इग्नोर कीजिएगा बिकॉज हम लोग का नेपाली बहुत खराब है और आई एम सॉरी फॉर दैट पहले से ही अगर नेपाली व्यूअर्स भी देख रहे हैं तो इन लोग का नेपाली तो दामी छो बोलो हमारा नेपाली कैसा था तो दामी छो बवाल देखा अभी मैं हिंदी बोलते हम लोग का नेपाली कैसा है बिल्कुल गलत ओके गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर ये है वन देवी मंदिर ये देखो ओह माय गॉड तो गाइस ये लोग बताएंगे कि ये वन देवी क्यों फेमस है बताओ हमको नहीं पता है अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है बंदेवी माता है कई बार बंदेवी मैंने सुना है कि ये वाला जो शेर है जागते है हाँ है ना ये रियल है ना हाँ तो गाइस ये जो शेर देख रहे हैं शेर और हाथी ये दोनों जागते हैं रियल में हो जाते हैं सब मतलब बोला जाता है और ये दोनों ये तीनों मतलब इस जगह का मतलब रक्षा करते हैं तो इसीलिए वन देवी फेमस है यहाँ पे ए, बोलो ना क्यों फेमस है बोलो ठीक से अच्छा नेपाली में बनो वही बात तो बनी सुमा तो राति राति हुन्छ नि त्यो जब आफै उस भइहाल्छ के आत्मामा प्रवेश हुन्छ अरे के तो ये बोल रहा है कि रात को ये स्टैचूस में सारे आत्मा आ जाते हैं और ये लोग एकदम जागरूक हो जाते हैं समझे तो इसीलिए ये फेमस है बहुत ये देखो गाइस नेपाल में टीका लगाने का मतलब होली हमको सिर्फ एक फोटो खिंचाना है दीदी अब मेरो नहीं हिंदी में बोलो पहले दीदी हमारा फोटो खींचो वो बोले पहले हमका दुल्हन बनाई दी प्लीज प्लीज हमका दुल्हन ही बनाने ने दावा जी के भाई बस आगे आगे जवानी का मजा बोलो क्या जिंदगी ना जवानी का मजा ये क्या है सो फाइनली गाइस पूजा हो गया है अभी हम लोग घर जा रहे हैं और आसमा ने बोला है कि हमें यहाँ पे समोसा खिलाएगी सो लेट्स सी यहाँ का समोसा कैसा होता है बताओ दामे ऊंचा ला जवाब आलू नहीं टेस्ट कैसा होता है समोसा में हाल्छ उसने कालू तिमी एउटा हाई कालू
ये दीदी के टाउक मत छैन टालु बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत। मेरे को इसका एक मस्त लगा डायलॉग बिल्कुल गलत। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। सो गाइस अभी पूजा हो चुका है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं फाइनली, और अभी हम लोग जाके समोसा खाएंगे। समोसा खाने के बाद डैड घर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।